क्लास एट मैथ्स काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल नंबर वन ट्रेपेज़ियम। आज हम क्वाड्रिलेटरल की काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल कौन सी है? ट्रेपेज़ियम। तो ये ट्रेपेज़ियम का डायग्राम है। ये जो एरो मार्क है, एक तो ए लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है, दूसरा बी सी के ऊपर है। एरो मार्क से हमको ये पता चलता है कि साइड ए बी और साइड सी डी पैरेलल है। तो ट्रेपेज़ियम क्या होता है? ट्रेपेज़ियम इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल होता है। तो ट्रेपेज़ियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, उसमें एक ही पेयर पैरेलल होता है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा गया पैरेलल होता है या नहीं होता है। बट वन पेयर शुड बी पैरेलल। अगर वन पेयर पैरेलल है किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेज़ियम होती है। तो ये जो फिगर है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेज़ियम। क्यों है ये? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी या बी ए एक ही बात होती है। अब ये जो पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम को भी हम ट्रेपेज़ियम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम का ये डायग्राम मैंने बनाया है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ये लाइन भी पैरेलल होती है। तो हमको ये देखना है कि वन पेयर पैरेलल होना चाहिए, दूसरा है या नहीं है ये नहीं देखना। तो देयरफॉर पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेज़ियम बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो वन पेयर तो पैरेलल होता ही है, दूसरे को हमको देखना नहीं है। सिमिलरली रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी। तो देयरफॉर रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस आर ट्रेपेज़ियम। बट ट्रेपेज़ियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, नॉट ए स्क्वायर एंड नॉट ए रेक्टेंगल। अब जैसे ये ट्रेपेज़ियम का फिगर है, इसको हम ना तो पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ना ही स्क्वायर कह सकते हैं और ना ही रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस जो हैं उनको लिखना भी है, लर्न भी करना है, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी लर्न करना है और लिखना है। दूसरी काइंड है क्वाड्रिलेटरल की, सेकंड टाइप है नंबर टू पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, ये पैरेलल और ये ग्राम, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का डायग्राम है। तो पैरेललोग्राम का डायग्राम कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से बनाएंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होती हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये इसका पैरेलल का सिंबल ब्रैकेट में लिखा है। तो ये जो बोथ पेयर हैं ये पैरेलल होते हैं। देयरफॉर तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये डायग्राम में ए बी सी डी क्या है? ये पैरेललोग्राम। क्यों है? बिकॉज ए बी सी डी के पैरेलल है और बी सी ए डी के पैरेलल है। तो इस प्रकार के फिगर को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ये सारी डेफिनेशन को लिखना भी है और लर्न भी करना है। डायग्राम स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ये डायग्राम है ए बी सी डी, और इसमें डायगोनल ए सी और बी डी भी बना दिए। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? ये जो ए बी और सी डी हैं अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दूसरा पेयर कौन सा है? बी सी और ए डी। तो ये जो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। पहला पेयर है ए बी पैरेलल सी डी, दूसरा है बी सी और पैरेलल ए डी। ये दोनों इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन से हैं? ये एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, ये फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ए ओ सी के इक्वल होगा और बी ओ ओ डी के इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब बाई मीन टू, सेक्ट मैंने इंटरसेक्ट करना। तो ये जो डायगोनल ए सी है फिगर में देखें तो ए ओ सी के इक्वल है और ये जो बी ओ है वो ओ डी के इक्वल है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम रेक्टेंगल के बारे में स्टडी करेंगे।
ये रेक्टेंगल का डायग्राम है। रेक्टेंगल इस प्रकार से बनाई जाती है, ईच एंगल इसमें 90 डिग्री का होता है और अपोजिट साइड्स भी इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं पैरेललोग्राम की तरह। तो ये रेक्टेंगल एबीसीडी का फिगर है। रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटर। रेक्टेंगल क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटर ही है, फोर साइड्स हैं इसमें, इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसमें हर एक एंगल 90 का होता है एंड अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, और अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, ए बी साइड सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल पढ़ेंगे। नंबर वन, दो प्रॉपर्टी तो इसमें पैरेललोग्राम से मिलती जुलती हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये पैरेललोग्राम में भी थी। और डायगोनल्स बाईसेक्ट ईच अदर, ये भी पैरेललोग्राम में थी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, बी ओ इक्वल टू ओ डी। तो ये फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम में भी थी। और सेकंड प्रॉपर्टी जो है ये पैरेललोग्राम से अलग है। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं थे, लेकिन रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स ए सी और बी डी, इसको माप के देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो इक्वल है। आप घर में एक्टिविटी भी कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल का फिगर बनाएंगे और उसमें दोनों डायगोनल्स को मेजर करेंगे, वो आपको इक्वल मिलेंगे। फिर पैरेललोग्राम का फिगर बनाएंगे, इसके डायगोनल्स को बनाएंगे और इनको मेजर करेंगे दोनों डायगोनल्स को, दे विल नॉट इक्वल। तो जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से मैच होती है, ये फर्स्ट और थर्ड। बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम का इस प्रकार से डायग्राम होता है, इसमें ईच एंगल 90 का नहीं होता है। तो ये सारी जो डेफिनेशंस हैं और प्रॉपर्टीज हैं, फेयर कॉपी में साफ साफ लिखेंगे, डायग्राम भी नीट एंड क्लीन स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे।